नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय लोगों की शिकायतों के लिए दूर करने के लिए कर रहा है दिन रात काम। कोविड 19 संकट के दौरान हरियाणा अधिवक्ता यानी महाअधिवक्ता कार्यालय लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोर्ट को हर संभव सहायता मुहैया करवा रहा है ताकि मामले का निपटान शीघ्र और अति शीघ्र हो सके। जैसा कि कोर्ट भी अब डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर होते हुए मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहा है, इसी तरह हरियाणा महाअधिवक्ता कार्यालय भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते हुए ऐसे सभी जरूरी मामलों को निपटाने के लिए ऑनलाइन व डिजिटलाइजेशन का भरपूर उपयोग करते हुए तत्परता से मामलों को निपटाने की कार्रवाई में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा महाअधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि कोविड 19 के दौरान मार्च में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया था कि सभी जरूरी केस मशीनिंग और तकनीक के द्वारा सुने जाएंगे। सभी आवश्यक मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में कोर्ट सुनेगा और असाधारण व जरूरी केस भी सुने जाएंगे। इसी को देखते हुए हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय ने भी ये निर्णय लिया और जरूरी तथा अति आवश्यक प्रकृति के केसों को लॉ ऑफिसरों की ड्यूटी पर लगाया गया। इससे पहले शुरू में 5 से 10 मामले आते थे और इन मामलों को निपटाने के लिए 1 या 2 लॉ ऑफिसरों को लगाया गया था, लेकिन कोविड 19 की अवधि में ज़्यादा बढ़ने के कारण शिकायतें भी बढ़ने लगी, जिसके बाद कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके सुनवाई तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि अब लगभग 30 से ज़्यादा कोर्ट चल रहे हैं। सुनवाई और केस की फ्लाइंग ऑनलाइन ही की जा रही है तथा सॉफ्टवेयर और ईमेल के माध्यम से ही केस की फाइल और मैशनिंग हो रही है। पलपल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। कोविड के दौरान समस्याएं तो गंभीर है और कोर्ट का रोल तभी शुरू होता है जब गंभीर समस्याओं में लोगों की ग्रीवियंस होती है और उनको कोई फोरम मिलता है जहाँ पर अपनी ग्रीवियंस कह सकते हैं। इसके लिए जब कोविड के दौरान टोटली कोर्ट भी बंद होने की स्थिति में आई थी मार्च के महीने में लास्ट वीक में, तो भी कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो बहुत ज़रूरी केसेस है मेंशनिंग के द्वारा वो सारे सुने जाएंगे। और कोर्ट ने उस माध्यम से कहा था भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थ्रू जो अर्जेंट केस होंगे कोर्ट सुनेगी, लेकिन वो एक्सेप्शनल जो अर्जेंसी है वही केस सुने जाएंगे। उसी के माध्यम से एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी ये था भी यदि कोई अर्जेंट केसेस आते हैं एमरजेंट नेचर के, तो उसके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके माध्यम से हमने कुछ लॉ ऑफिसरों को असाइन किया था कि जो इमीडिएटली वो कोविड के दौरान एमरजेंट केसेस आते हैं जिसमें कोर्ट परमिशन ग्रांट कर देती है केस सुनने के फाइल करने के, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन वो धीरे धीरे क्योंकि वो 5-10% केस डेली के होते थे तो ऑफिस के 2 या 3 लॉ ऑफिसर थे वो उसको सारा मैनेज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये कोरोना का पीरियड लंबा चला गया अभी भी है तो उसके कारण अब लोगों कोर्टों ने केस जो है वो सुनने लोगों की ग्रीवेंस बढ़ती जा रही है, तो इसलिए बढ़ने का के कारण ही कोर्टों ने अपनी सुनवाई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के शुरू कर दिया। तो पहले 2-3 कोर्टें जैसे काम करती थी फिर 10-12 तक कोर्टों ने काम करना शुरू कर दिया और आज की डेट में मोर देन 30 जजेस 30 से ज़्यादा कोर्टें चल रही है सुनवाई और फाइलिंग केसेस की, तो जो है ऑनलाइन ही है, ईमेल के माध्यम से फाइल होता है, मेंशनिंग होती है और उसके माध्यम से ही कोर्ट सुन रही है। लेकिन आज की डेट में लगभग जो है दिल्ली के 700 to 800 केसेस सुने जा रहे हैं, तो 700 जब 800 केस सुने जा रहे हैं तो उसके माध्यम से उसकी रिस्पांस भी इमीडिएटली हो, क्योंकि वो सारे अर्जेंट केसेस है जो कोर्ट सुन रही है लोगों की ग्रीवेंस को, तो उसके लिए एडवोकेट जनरल ऑफिस के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है भी तो ऐसी लिटिगेशन को। और यदि रूटीन में तो जो केसेस में भी हम कोर्ट के नोटिस आने के बाद इंस्ट्रक्शन ले के डिपार्टमेंट से फीडबैक ले के डिफेंड करते थे और महीना 2-2 महीने के बाद कोर्ट को रिस्पांस बताना होता था, आज की स्थिति में जितने भी केस फाइल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली मोर देन उसमें 50% केसेस में 1 दिन में हम डिपार्टमेंट से सारा रिस्पांस लेके कोर्ट को बता रहे हैं। और उसके मतलब के लिए सारे लॉ ऑफिसरों की ड्यूटी लगा रखी है, सारी कोर्टों में लॉ ऑफिसर असाइन होते हैं और जब भी केस फाइल होते हैं तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन कर रखी है भी जो
गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस है उसकी जो एडवांस कॉपी जो है पेपर बुक की, वो एडवोकेट जनरल ऑफिस को सप्लाई करेंगे बाय मेल। तो वो मेल से आती है, तो अब वो क्योंकि जब तक 5-10-20 केसेस थे तो किसी इंडिविजुअल लॉ ऑफिसर भी उसको मैनेज कर सकता था, लेकिन यदि आप डेली एक स्टेट के केसेस भी 200-250 से ज़्यादा है तो एक लॉ ऑफिसर के लिए तो करना पॉसिबल नहीं है, और उसके पास मेल सारे केसेस की आने बाद भी पर्सनली हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए लॉ हमने एडवोकेट जनरल ऑफिस में ही उसका सिस्टम डेवलप करा है, ग्रुप्स के माध्यम से लॉ ऑफिसरों को साइन करके जितने 200-250 केसेस आ रहे हैं वो आगे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी सेम डे भेजते हैं, और उनसे अगले दिन तक, क्योंकि थर्ड डे केस फिक्स हो जाता है हियरिंग के लिए, तो तब तक मोर देन जो जितने भी केसेस हैं मैक्सिमम केसेस में रिस्पॉन्स हम जो प्रिमली रिस्पॉन्स है कोर्ट को असिस्ट करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं, और कोर्ट को उसी एंगल से असिस्ट भी कर रहे हैं। उसके लिए वर्चुअली हमने 3 डिपार्टमेंट में 24 आवर ड्यूटीज़ लगा रखी है। अच्छा। एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी जो लोग हैं रात के 12 बजे तक ड्यूटी पे रहते हैं, और सुबह कुछ लोग 5 बजे से ड्यूटी देते हैं, अल्टरनेटिव टाइम है रात के 12 बजे तक कुछ लोगों के लिए, फिर कुछ लोग जो है सुबह 5 बजे से काम शुरू करते हैं। तो जो जो जिस डिपार्टमेंट से फीडबैक मिलता है, जहाँ से पेंडिंग है वो सारा मॉनिटर करते हैं, उनसे रिस्पांस लेते हैं, जहाँ पेंडिंग है उन लोग डिपार्टमेंट्स को रिमाइंड करवा के उनसे रिस्पांस प्राप्त करते हैं, और उनको रिस्पांस मिलने के बाद वो कंसर्न्ड लॉ ऑफिसर को जब शाम को केस असाइन होते हैं तो उस लॉ ऑफिसर के पास भेजते हैं। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमें 24 आवर में रिस्पांस मिलता है, और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जो है 24 आवर काम कर रहे हैं। इस लिटिगेशन में जो रूटीन में कई महीने लग जाते थे रिस्पांस लेने में, वो एक 24 आवर में एडवोकेट जनरल ऑफिस को रिस्पांस अपनी दे रहे हैं। तो हम कोर्ट को इमीडिएट फर्स्ट डे ही केस की हियरिंग के टाइम पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस को अपनी रिस्पांस बता देते हैं, कोर्ट को असिस्टेंस देते हैं ताकि मैक्सिमम केस डिस्पोज ऑफ हो पाए। इसी तरह प्रिजन डिपार्टमेंट के भी 24 आवर वाला काम है, क्योंकि हर एक क्रिमिनल केस में हमें जहाँ पर भी बेल एप्लीकेशन है या दूसरे हैं उसमें कस्टडी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसमें पर्टिकुलर होते हैं भी अक्यूज के खिलाफ कितने केस और हैं, कितनी देर से वो जेल में है, पहले उसको कभी छुट्टी दी गई है नहीं दी गई है, बाकी केसेस में उसकी बेल हुई है नहीं हुई है, ये सारी डिटेल जो है प्रिजन डिपार्टमेंट को भी है हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो वो वर्चुअली उनको भी क्योंकि 24 आवर का सिर्फ टाइम होता है, तो वर्चुअली दे हैव टू रिमेन ऑन ड्यूटी ऑन 24 आवर्स इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बाई ईमेल से, वो हमारे ऑफिस को हम भी ईमेल से उनको फॉरवर्ड करते हैं, वही ईमेल से रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हमने वो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ लॉ ऑफिसरों का एक ग्रुप बना रखे हैं, जो क्रिमिनल केसेस के लिए सेपरेटली, जो सिविल केसेस के लिए सेपरेटली। वो लॉ ऑफिसर के ग्रुप्स में भी डिपार्टमेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड होते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट से फीडबैक नहीं आता है पहुंचता है तो वो लॉ ऑफिसर डायरेक्टली डिपार्टमेंट से फीडबैक ले रहा है। तो इस तरह 24 आवर वर्चुअली स्टाफ को लगा के कोर्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों की भी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है कोर्ट के सामने उसके उनमें उनको न्याय मिले, उसके लिए भी पूरी अपनी तरफ से एडवोकेट जनरल ऑफिस की तरफ से पूरी उनकी सहयोग कर रहे हैं, ताकि किसी की कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है तो कोर्ट उसको रेमेडी प्रोवाइड करके। जो सुनवाई है वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, क्योंकि कोरोना के कारण अभी फिजिकल कोर्ट्स की वर्किंग तो पॉसिबल नहीं हो रही, लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग से भी मेजर लोगों की जो ग्रीवेंस है वो हल करने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था, तो कोर्ट्स भी लिमिटेड ही केसेस सुन पा रही थी, लिमिटेड कोर्ट्स ही लग रही थी इवन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी, लेकिन आज की डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी मोर देन मतलब भी 2/3 जजेस अप्रॉक्सीमेटली काम कर रहे हैं। तो उसके कारण जो अर्जेंट ग्रीवियंस जितनी भी है लोगों की वो सारी कोर्ट केस सुन भी रही है, वो चाहे उनकी सिविल केसेस से रिलेटेड ग्रीवियंस हो, उनकी क्रिमिनल केसेस से ग्रीवियंस हो, या कोई और भी ग्रीवियंस हो, तो इवन प्राइवेट केसेस को भी जो अर्जेंसी इन्वॉल्व है
कोर्ट इस समय सुन रही है, तो इस समय मैक्सिमम ग्रीवियंस तो है लेकिन कुछ डिफिकल्टी तो रहेगी आज के समय में, क्योंकि कोरोना के नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फिजिकली तो डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सबकी सेहत ठीक रहेगी तभी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो इसलिए सिस्टम को भी प्रॉपर रहे, लोगों की ग्रीवेंस भी हल सके, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैक्सिमम हियरिंग कोर्ट जो है पॉसिबली जितना भी इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड पॉसिबल हो सकता है प्रोवाइड करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सबका जो है केस सुनने की कोशिश कर रही है। ग्रीवेंस अभी फंड्स के बारे में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहले था ये एक्सपेक्टेड नहीं था भी इतनी डिमांड एकदम हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाएगी, तो उसके माध्यम से अब एकदम जो इतनी अभी फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफिस ने अपने ही जो फंड्स है उसी के माध्यम से सारे सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। सरकार को हम लिख रहे हैं अभी एडिशनल फंड्स प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसे लगता है अभी टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गई है, वैसे तो हमारी स्टेट डिजिटलाइजेशन के मामले में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था भी इतनी जल्दी टोटली डिपेंडेंसी कोर्टों की डिजिटलाइजेशन पे हो जाए। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बढ़ने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बढ़ाने की जो है नेसेसिटी है, हम अपने लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफिस लेवल पे जितनी पॉसिबल है उसको कर रहे हैं। सरकार को भी हमने कहा है भी एडिशनली भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जाए, फंड्स प्रोवाइड करे जाएं, ताकि हम बेस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, और उसके कारण लोगों की ग्रीवेंस वो है रिजॉल्व करवाने में कोर्टों में उनकी हेल्प कर सकें, असिस्ट कर सकें कोर्टों को, एक इफेक्टिव असिस्टेंस कोर्ट्स को जाए, ये इस माध्यम से हम पूरी कोशिश एडवोकेट जनरल के ऑफिस के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे है क्योंकि एडवोकेट कोरोना के कारण काम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी लिमिटेड लोगों का काम है, तो एडवोकेट्स की भी अपनी ग्रीवियंस है, अभी उनका काम नहीं चल रहा, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज भी है। तो एक हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट बना हुआ है, जिसके एक्ट के नीचे जो हरियाणा के वेलफेयर एक्ट के नीचे एडवोकेट्स मेंबर है उनको नॉर्मली तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ये होता है कि किसी डेथ के केस में, किसी ग्रीवियस जो है डिजीज़ के केस में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी एक ट्रस्ट जो वेलफेयर फंड कमेटी की ट्रस्टीज की मीटिंग है उसमें ये रिजॉल्व किया गया कि ये जो प्रॉब्लम आई है कोरोना के कारण जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आई है ये कोई और जो बाकी डिसीज़ रूटीन में होती है उससे भी एक्सेप्शनल नेचर की है, और इस समय एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो इसलिए उसमें कमेटी में अभी रिजॉल्व किया गया है भी जो फंड के वेलफेयर फंड के एडवोकेट के पैसे है और जो उनके मेंबर है 2 करोड़ रुपये का अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है एडवोकेट को प्रोवाइड करी जाए जो भी फंड के मेंबर है, क्योंकि इस समय इमीडिएटली उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जिनको ज़रूरत है। तो उसके नाते से हमने एप्लीकेशनें सारे वेलफेयर फंड के मेंबर जितने भी एडवोकेट्स हैं उनसे मांगी है, अप्रॉक्स मोर देन 50,000 एडवोकेट्स ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्मली स्क्रूटनाइज हो रही है अभी उसके लिए, और उनसे बैंक अकाउंट लिया है, और बहुत शॉर्टली हम उनको जो फंड है विद इन डेज मतलब उनको ट्रांसफ़र करेंगे उनके बैंक अकाउंट्स में एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वन टाइम मैयर। उसके लिए गवर्नमेंट से भी हमने इनफॉर्मल अप्रूवल लिया, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो सरकार ने एक्ट और रूल बना रखे हैं, लेकिन सरकार भी एक्सेप्शनल सिचुएशन को सरकमस्टांसेस को जानते हुए इनफॉर्मल हमें परमिशन दे दी गई है भी आप इस तरह कर सकते हैं, इनफॉर्मली और जो हमारे पास उसकी परमिशन है इन ड्यू कोर्स हमें ग्रांट कर देगी सरकार। इस तरीके से हम एडवोकेट्स को भी जो जितने भी है इस कोरोना पीरियड में जो भी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है पॉसिबली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।